सर कैसे हैं आप? जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट बताए कि नास्ट सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दिया आप सबने साइन करके दिए हुए, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आर कमिटमेंट। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा खजाना को IMF मुआहदे से इन्हराफ के लिए फोन कॉल्स लीक। शौकत तरीन ने मोहसिन लाहारी से कहा IMF को 750 अरब की कमिटमेंट की गई है, अब कह दें सैलाब की वजह से कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, फिर हम इसे IMF के नुमाइंदों को रिलीज कर देंगे। मोहसिन लाहारी ने पूछा क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा? तरीन बोले यह हमसे जैसा सलूक कर रहे हैं, क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा? मुबैना कॉल्स में शौकत तरीन ने वजीर खजाना KP तैमूर झगड़ा को भी ऐसी ही हिदायत दी। शौकत तरीन ने सूबाई वज़ीरे खजाना से फोन पर गुफ्तगू को निजी बातें करार दे दिया। PTI के सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर खजाना की प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि निजी गुफ्तगू सुनने वाले ये कौन होते हैं। मोहसिन लाहारी और तैमूर झगड़ा से व्हाट्सएप पर बात हो रही थी, इसके बाद फिर डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि झगड़ा ने खत लिख दिया है, अब इसे रिलीज करने की जरूरत नहीं। उन्होंने यही कहा कि सैलाब के हालात में अपने पैसे अपने ऊपर ही खर्च होने चाहिए। साहब जो है वो एक्सप्लेन करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फोन टैपिंग की पाकिस्तान में? इसका मतलब यह है कि कोई प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगर इसमें कुछ टोटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई। PTI रहनुमाओं ने शौकत तरीन की लीक ऑडियो को असल मान लिया। शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की बातों की तायीद भी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा दोनों ने जो बुनियादी नुक्ता उठाया वो बिल्कुल ठीक है, सूबों के तहफ्फुज़ात पर IMF से बात करना होगी। मिफ्ता इस्माइल बताएं किस कानून के तहत IB ने फोन टेप किए। असद उमर ने भी शौकत तरीन की बातों को ठीक करार दे दिया, कहा शौकत तरीन ने मोहसिन लाहारी और तैमूर झगड़ा से बात की तो इसमें क्या गलत है? क्या IMF से सैलाब पर रियायत मांगने का मशवरा गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले मईशत के हवाले से अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं। खबर यह है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, पाकिस्तान को जल्द कर्ज की किस्त मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी की तस्दीक कर दी है। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा 92 न्यूज फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फहीम अख्तर, आगाह कीजिएगा इस मंजूरी से मुतल्लिक क्या फैसले आए हैं सामने? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक अहम और बड़ी खबर है, क्योंकि कई माह से पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा है इसकी बहाली से मुतल्लिक मामला चल रहे थे, और अब ये खबर सामने आती है कि आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी है। आज आलमी मालियाती बोर्ड मुआहदे की मंजूरी दी थी, बोर्ड ने पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब और 17 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। कर्ज की रकम IMF की जानब से इसी हफ्ते पाकिस्तान को मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, जबकि वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF की तस्दीक की है और कहा है कि IMF बोर्ड ने तौसीफ फंड की सहूलत जो है हमें दे दी है, और उन्होंने कहा है कि हमें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की 7वीं और 8वीं किस्त मिल रही है। वजीर खजाना का कहना था कि वजीर आजम के मुताबिक मुश्किल फैसले लेने पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को वजीर आजम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो यूँ एक बड़ी खबर है। वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ। फहीम साथ ही रहेगा, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया 92 न्यूज को वक्त देने का। डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है, कितनी मुस्बत खबर है और एक आम शख्स की जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होगी ये खबर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें पाकिस्तान पिछले 6 माह से ये कोशिश कर रहा था कि जो 7वां रिव्यू है वो कंप्लीट हो,
और इसका जो डिले है उसने बड़ा इम्पैक्ट किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7.8 बिलियन डॉलर पे हैं, ये एक नहायत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। इस रकम के आने से आपको बाकी जो मल्टीलैटरल्स हैं, आपको जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं, आपको जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, वो रकूम जो इस वक्त स्लो हुई हुई हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी। व्हाट वी होप इज कि ये जो 7.8 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, अब इसमें आपका एक बिल्डअप शुरू हो जाएगा। ये हमारा इस वक्त सबसे कलीदी मसला है कि हमने अपने रिजर्व्स को बेहतर करना है ताकि हम जो भी ऑब्लिगेशंस आने वाले दिनों में हैं उनको मीट कर सकें और फुली फंड कर सकें उनको। नंबर दो, आपको आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सिग्नल भेजते हैं कि पाकिस्तान रिफॉर्म पाथ और जो रिफॉर्म्स हमने IMF के साथ एग्री किए हैं अब उनको इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। नंबर तीन, पाकिस्तान इस वक्त सफर कर रहा है एक ट्रस्ट गैप से कि हम कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, सो दैट वुड आल्सो हेल्प। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज इन द शॉर्ट रन। पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं था, बट IMF एक ऐसा एंकर है इस टाइम पर जो ममालिक उनके साथ रहेंगे अगले एक साल में, जो ग्लोबल डिफिकल्टीज हैं, जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस हाइक्स हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ का स्लो डाउन है, वो उसको बेहतर मैनेज कर पाएंगे। और आप ठीक ठीक है, हमारे साथ ही डॉक्टर खाकान साहब आप मौजूद रहिएगा। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मईशत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल साहब, IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए बज़ाहिर तौर पर एक बड़ी खुशाइंद बात है। तो जो मुश्किल फैसले हुकूमतें पाकिस्तानी आवाम पर डाल रही थी, अब उसका सिलसिला रुक जाएगा और आवाम अब मुस्तफीद हो सकेगी इससे सही तरह से। देखिए बात यह कि मुश्किल फैसले तो मुझे लगता है कि उसकी पहली किस्त आई है, अभी तो दूसरी तीसरी चौथी किस्त आनी है और उस पर अब सैलाब आ गया है, तो मईशत तो आपको पता है उसका पहले रुक गया है, फसलें जो है खड़ी फसलें गिर गई, तो अब जो है हुकूमत ने जो टैक्स के वादे किए हुए वो भी मुश्किल हो जाएंगे पूरे करने। महंगाई को 11% कह रहे थे जो होगा, तो अभी तक 45% रह चुकी है, CPI 25% हो चुकी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है 7वां 8वां जायजा तो हमारा अप्रूव हो गया है, 9वें जायजे के ये टारगेट के पास पास भी आएंगे, तो फिर IMF रुक जाएगा, फिर IMF फिर क्या करेंगे उसमें। जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरी किस्त आ जाएगी फिर मुश्किल फैसला होती, अभी टैक्स महसूलत नहीं जमा कर पाएंगे, 4 तो मिनी बजट दे चुके हैं जून सेप तक, तो ये तो मुझे लगता है हर साल जो है हर महीने मिनी बजट आएंगे, तो अब मिनी बजट बोलना तो ही नहीं, उसको माइक्रो बजट बोलें कि अब माइक्रो बजट हर महीने के महीने आने शुरू हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब की वजह से बेघर हैं, इन लोगों को हमारी मदद की अशद जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, मुसीबत की इस घड़ी में भी बढ़ चढ़ कर हम वतनों की खिदमत करें। इस वक्त पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। इन ख्याल का इजहार मशहूर गुलकार साहिर अली बग्गा ने लंदन में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सैलाब जदगान की मदद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी मैदान में आए मारूफ गुलूकार साहर अली बग्गा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील कर दी, मुसीबत ज्यादा हम वतनों की बढ़ चढ़ कर मदद करने की दरख्वास्त। गुलूकार साहर अली बग्गा ने लंदन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्क में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, 3 करोड़ से जायद अफराद सड़कों पर बेयारों मददगार पड़े हैं, हमें उनकी मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 सितम्बर को यौम दिफा के हवाले से होने वाले प्रोग्राम को भी हमने सैलाब जदगान के नाम कर दिया है। इस प्रोग्राम से होने वाली आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलाब से मुतासर इलाके में लोगों की खुराक और रहायश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3 सितंबर के शो के अंदर हम सब ने सोचा कि हम इस शो को ट्रिब्यूट कर दें हम उन लोगों के लिए, और जितने यहाँ से हम फंड्स इकट्ठे कर सके हम उनकी खिदमत में पेश करें जो कि जिन लोगों के लिए काम आए। तो इंशाल्लाह अभी इस शो का हमारा कोर्स पहले कुछ और था, पाकिस्तान डिफेंस डे के हवाले से था, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, लेकिन अब पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज को थोड़ा सा तब्दील किया कि इस शो से हम जो कुछ भी अर्न कर सके वो हम फंड्स में डालें जो कि पाकिस्तान फ्लड जो इस तरह चल रहा है। एक सवाल के जवाब में साहर अली बग्गा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं, चाहे फंड रेजिंग के लिए उन्हें रोड शोज करना पड़े या चैरिटी इवेंट्स, वो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मुश्किल की इस घड़ी में अपने हम वतनों की मदद करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि हम एक आध मंथ में 1-2 माह में हम पूरा टूर बनाएंगे UK का, यूरोप का भी इंशाल्लाह, इसमें हम 20 से 30 शोज करेंगे फंड्स के लिए उनके। तो उसमें भी मैं चाहूंगा कि आप जैसे इस शो में आए उस शो में भी हमारा साथ दें
और हम पाकिस्तानियों का मिल के जो हमारा वहाँ पे जो इस वक्त मुतासरीन है उनका हम ख्याल कर सके। सहर अली बग्गा ने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर रहे हैं जिसके जरिए तमाम चैरिटी फंड्स का हिसाब रखा जाएगा और जिन लोगों तक ये इमदाद पहुंचेगी उनका भी बायोडाटा उस सॉफ्टवेयर में दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जमा होने वाला फंड अपने हाथों से सैलाब जदगान तक पहुँचाएं। टेक्नोलॉजी फास्ट है, इस जमाने के अंदर आप किसी को पैसे देते हैं या किसी को पकड़ाते हैं या वहाँ पे लगा दे, हजार दफा इस तरह की बातें सुने हैं, कहीं नहीं लगते, कहीं नहीं पता चलता कहाँ गया है। मैंने पहले भी बात की है कि हम इसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि कहाँ पे कितने पैसे हो गए हैं जमा, और ट्रांसपेरेंट सबको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होगा, वो पेज सॉफ्टवेयर का वो एक्टिव होगा हर वक्त, और उससे कहाँ पैसे जा रहे हैं ये भी नजर आ रहा होगा उसके अंदर। उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में सबको मुतहद होकर सैलाब जदगान की मदद करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 70% से ज्यादा आबादी पर पानी ही पानी है और लोगों के लिए दो वक्त की रोटी और छत भी मुयसर नहीं है, लोग भूख और प्यास से सिसक सिसक कर मर रहे हैं। हम सब पाकिस्तानियों को अपने हमवतनों की बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। हालात से गुजर रहा है, शायद इससे पहले ऐसे हालात नहीं बने, तो इससे पहले भी ओवरसीज के लोगों ने हमेशा दिल खोल कर वहाँ पे जरूरतमंद कोशिश की है इमदाद पहुंचाने की। जैसे अभी साबिर साहब ने कहा कि लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लोग अब इतबार नहीं कर रहे, लेकिन लोग यकीन करें कि देना चाहते हैं। तो मैं आपको टीवी के साथ से लोगों से अपील करता हूँ भाई, आप आए, एक तो शो भी देखें, भाई का शो भी कामयाब करें, और उसके बाद भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ा ऐलान किया, बहुत अच्छा ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर आजाद कश्मीर के तर्जमान चौधरी दिलपजीर, मलक इस्लाम खान, खुरम गुलफराज, मोहम्मद रिजवान, जुल्फकार अहमद और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन।